हाय गाइस, वेलकम टू टेलीस्टॉक न्यूज़ 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। इसका आने वाले टाइम में टारगेट प्राइस क्या रहेगा, कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है, आगे कैसा परफॉर्म करेगी, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स देखेंगे हम। बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 2,29,671 करोड़ का, और जिस पर अभी ये कंपनी व्यापार कर रही है यानी ट्रेड कर रही है वो 362 रुपये पर ट्रेड कर रही है। 52 वीक हाई लो की बात करें तो 52 वीक हाई 400 रुपये और 52 वीक लो 203 रुपये। स्टॉक पीई की बात करें तो 143 और इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 20 रुपये, यानी 7 times high, यानी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू। बुक वैल्यू 219 रुपये है और करंट प्राइस है 362, यानी 1.5 times ज़्यादा ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। डिविडेंड कंपनी पे नहीं करती। ROE 1% 1.5% के करीब, ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1.5% के करीब। फिर आखिर जो ये शेयर है भाग क्यों रहा है, तो यहाँ पे सारी बात आ जाती है डिमांड एंड सप्लाई की। जी हाँ, जिसकी जिस तरीके से डिमांड, उस कंपनी का स्टॉक प्राइस उसी हिसाब से भागता है। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स देखें हम तो कंपनी के फंडामेंटल्स उतने खास नहीं। हाँ, कंपनी में कोई भी डेप्ट नहीं है, कोई भी कर्ज नहीं है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2.5 रुपये कंपनी पर शेयर पर मतलब कमाती है। अब आ जाते हैं रिजल्ट्स पे, तो दिसंबर 2023 के रिजल्ट देखें और दिसंबर 2024 के रिजल्ट देखें तो सेल्स इंक्रीज है तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, EPS भी इंक्रीज हुआ है। बात कर लेते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स होल्डिंग 50% से कम है। रिजर्व्स कंपनी ने बढ़ाए हैं। अब ओवरऑल जो हम इसके फंडामेंटल समझे, तो जो इस कंपनी का जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे भाग रहा है। जिस स्टॉक की जितनी ज़्यादा डिमांड उसका प्राइस उसी हिसाब से भागता है। आप शॉर्ट टर्म के लिए 400 रुपये का टारगेट रख सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रखना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अगर हम फंडामेंटल्स के हिसाब से देखें तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, क्योंकि इंडस्ट्री पीई 20 रुपये और अभी फ़िलहाल जो स्टॉक का जो पीई है वो 143 रुपये, यानी 7 times high। कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले एक तो इंडस्ट्री का पीई और स्टॉक का पीई, साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जरूर देखता है। कंपनी के फंडामेंटल्स उतने खास नहीं है। जो कंपनी का शेयर भाग रहा है वो भाग रहा है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। बात की जाए तो पिछले 6 महीने में कंपनी ने 51% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में, मतलब कि 6 महीने में, 1 साल ही तो हुआ है, अभी 1 साल में दिया है 45% का रिटर्न। पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में 3.5% का रिटर्न निवेशकों को दिया है। शॉर्ट टर्म के लिए आप 400 रुपये का टारगेट रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।